देखिए, जब तक हम शरीर मानते हैं अपने आप को, उसके वजह से ये सब पैकेज आता है, और हम दूसरों को शत्रु मानते हैं। जो शरीर के को हानि पहुंचाने के लिए आता है उसको हम शत्रु मानते हैं। ये सब टेम्पररी चीज़ों में हम क्या भूल जाते हैं, हमारा जो परमानेंट रिलेशन है भगवान के साथ वो भूल जाते हैं। हाँ, तो ये दुनिया में हम संसार कर रहे हैं, ये दुनिया में हम परिवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो असली परिवार है वो भूल गए हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वीडियो गेम खेलता है ना, जिन लोगों ने वीडियो गेम खेला है उसमें ऐसा एक लत लगता है, एडिक्शन लगता है, बच्चा खेलता रहता है, उसको लगता है कि यही सत्य है असली गेम। वो जो वीडियो गेम है उसमें ऐसा घुस जाता है जो उसका असली ज़िंदगी है वो भूल जाता है। तो वैसे ही ये माया एक गेम बना के रख रही है हमारे लिए, ये शत्रु है, इसको इससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है, ये मेरा दोस्त है, उसका अच्छा करना है। तो ये सब चीज़ में हम फंसे रहते हैं और क्या भूल जाते हैं, भगवान का भक्ति करना भूल जाते हैं। तो माया देवी हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखती है। हाँ, कभी दुख आता है, दुख जब आता है भक्ति नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख है। सुख बहुत आ गया तभी भी भक्ति नहीं होता क्योंकि अभी आनंद करना है। तो अभी कुछ भी करो प्रॉब्लम है, कोविड है भक्ति नहीं होता, कोविड नहीं है फिर भी भक्ति नहीं होता। तो माया जो है व्यक्ति को फंसा के रखती है। जब तक हम शरीर को मानेंगे, स्वयं अपने आप को शरीर मानेंगे, तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भक्तों का खासियत है, भक्तों के संग में जाने से और भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने से हमारे जो पीड़ा है, जो आग जल रहा है अंदर पीड़ा का, वो सब मिट जाता है। तो वर्णन आता है, गोपियाँ बताते हैं, भगवान आपका जो कथा है तप्त जीवनम, ये जो हमारा जीवन है जो अलग अलग तापों से भरा है उसको निवारण करता है।